हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, और अगर नहीं भी ठीक होते आपको पता, हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। आज बहुत सारे दिनों के बाद ये वाला मैं व्लॉग बना रहा हूँ, अलबत्ता मैं मिनी व्लॉग्स बना रहा हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे टिकटॉक पे आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर लेना। खैर, जो मिनी व्लॉग्स हैं वो थोड़े फनी हैं, मैं इधर शॉर्ट्स में भी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये वाले व्लॉग्स हैं ऑब्वियसली एक्सटेंडेड व्लॉग्स हैं, तो ये एक अलग सीन है, तो इसको साथ साथ लेके चलेंगे यूट्यूब के ऊपर। लेकिन आज का जो व्लॉग है इस गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड। ये जापानी डेडू हमारे साथ है, और शुरू जी में दास जापानी अच्छा तो एक मिनट अच्छा, तो अभी हम लोग जो है ना, हम लोग जाने लगे हैं। बेसिकली आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो नुमान मेरा दोस्त है, एडवेंचर क्लब में होता है, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार, रिक्वेस्ट किया उसने मुझे, बोला कि भाई तूने जाना है टूर के ऊपर रात 2 बजे, तो आज सुबह अभी 9 बजे हैं, तो बस ये टाइम भी आप लोग देख लें, 9:15 हुए हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर के टूर के लिए। शेर सुनाई, कहाँ हो तुम, जरा पास तो आओ। हाँ, कहाँ हूँ मैं, मुझे पता तो चले। वाह 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 वाह। वी आर जस्ट अबाउट टू लीव, सब लोग बाहर खड़े हैं और हम लोग भी बस निकलने लगे। तैयारी फुल ऑन पीक है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 2-4 लोग जो हैं वो सिर्फ मिसिंग है, एंड इंक्लूडिंग 1 जेडी जो है उनमें से है। जेडी हमारा जुनेद दोस्त है मेरा, वो ऐसा कोई इंसान है ना, रात हमारे साथ ही था, हमें ड्रॉप करके वो गया वापस और जाके सोया रहा। हालांकि हमें मनाया उसने कि हम लोगों ने टूर पे जाना है, लेकिन अभी वो सोया, उसके अब्बा जी को कॉल करके अब उसे उठाया है, अब उसका वेट हो रहा है। जैसे ही वो आता है फिर हम लोग टूर के लिए निकलते हैं, लेकिन उससे पहले हमने कहा चाय चाय पी लें, जरा एनर्जी रिस्टोर कर लें। ये नुमान है, और इस टाइम सिर्फ जुनेद का वेट हो रहा है, सब लोग, हम लोग गाड़ी में बैठे जुनेद का वेट कर रहे हैं। नाम साहब जुनेद पे कॉल पे कॉल कर रहे हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी हम लोग यार उतरे थे शकरगढ़, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले, एक बंदे ने वॉमिटिंग कर दिया, अभी फिलहाल गंद डाल दिया, अल्लाह की कसम ऐ बंदा है नहीं ना। उसके बाद अभी हम लोग बस, अभी बस द्वारा वॉश करवाई है, सारे लोग बाहर निकले हुए, अभी हम लोग वापस बस में बैठने लगे हैं, फिर एंड टू टू का कार है हमें को वापस भेज दे, उस पास ही ओली बैगन पे कर लो। अभी हम लोग करतारपुर पहुंच गए, गेट से उन्होंने हमें वापस मोड़ दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मेरे कहने पे प्रोटोकॉल है। उसके बाद फिर दोबारा थोड़े टाइम बाद दूसरी गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई है, पर वी ऑल आर वेटिंग पे, अब पता नहीं कितना टाइम लगता है, लेट्स सी। अभी अंदर से प्रोटोकॉल आएगा गुरुद्वारे के अंदर से, जो कि हमारी गाड़ियों को लेके जाएगा साथ उधर, तो हम लोग वापस बैठने लगे। मेरे ख्याल प्रोटोकॉल आ गया, ये सामने गुरुद्वारे वाली साइड है, ये सारी ये गेट है, यहाँ से ये पुलिस की गाड़ी है, और ये प्रोटोकॉल के साथ लेके जाएगी हमें वहाँ तक, गुरुद्वारे तक। सब लोग हम गाड़ी से निकल चुके हैं, अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से अब सब लोग हम अंदर जाएंगे, रिसेप्शन से चेक करवा के, बॉयज इस साइड से और लड़कियाँ उस साइड से। प्रोटोकॉल और 2 चेक पोस्ट क्लियर करने के बाद अभी हम लोग जो है ना पार्किंग में पहुँचे हैं, यहाँ पे अब हमारे यहाँ गाड़ियाँ पार्क हो गई हैं, और यहाँ से अभी हम लोग कार्ड्स बनवाएंगे अपने अपने गुरुद्वारे की एंट्री के, और उसके बाद फिर हम लोग शटल बस, वो खड़ी है सामने यहाँ पे, शटल पर बैठ के आगे गुरुद्वारे तक जाएंगे। जैसे सिक्योरिटी चेक हमने क्लियर कर लिया, अब यहाँ से सारे लोग बाहर आ गए हैं, अब वहाँ से हमारे पास आएगी शटल बस, शटल पे बैठ के हम लोग जाएंगे गुरुद्वारे तक। मुझे ख्वाब आते हैं। आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल, थोड़ी सी लाइट आ रही है, वी आर कंसीडर एज विजिटर, विजिटर कार्ड हमें मिल गया है, ये दर्शन दियोड़ी है, हम लोग एंटर हो गए हैं, बाकी लोग आते हैं उन्हें भी एक दफ़ा आ लेने देते हैं, फिर हम लोग इकट्ठे ही अंदर जाते हैं। पता नहीं अब उन्हें कितना टाइम लगता है, मुझे लगता है कोई 5-7-10 मिनट लगा लेने इन्होंने, तो जैसे ही वो लोग आते हैं फिर सब हम लोग अंदर चलते हैं गुरुद्वारा साहब में। माशाल्लाह फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी गुड, लेकिन जो पीछे हम लोग थक के आए ना, जितनी मेहनत करके आए वो है बड़ी जलालत थी, अंदर जाके देखते क्या होता है। अच्छा हमें नहीं बुलाया, अभी हम लोग अंदर एंटर होने लगे हैं, ये है जी एंट्रेंस। इस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं ना, यहाँ से गुरुद्वारे का ये व्यू आता है जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है इस टाइम गुरुद्वारा साहब, और ये सामने मेरे ख्याल गुरुद्वारा साहब है जहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, बाकी हम लोग विजिट करते हैं। वीडियोस बनाना अंदर में बहुत सारी जगहों पे अलाउ नहीं है अभी, चाहे नॉट बी डूइंग, कोशिश करूँगा जहाँ पर बन सकती हुई बना लूँगा, जहाँ पर नहीं बन सकती वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा,
तो अभी हम लोग फिलहाल अंदर चलते हैं, यहाँ से हमने एंटर करना है इधर से, तो अभी हम अंदर चलते हैं। हम लोग आए ना, हम लोगों के आने से पहले यहाँ पे इनके जो हैं वो काफ़ी सारे कनेडियन विजिटर आए हुए थे, सिख यात्री आए हुए थे काफ़ी सारे जो कि यहाँ पे विजिट कर रहे थे, उनके बाद हमें मौका मिला है यहाँ पे एंटर होने का। तो हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं यार, बहुत ही खूबसूरत, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। चूँकि हमारे सिख बरादरी अगर कोई यहाँ पर व्लॉग देख रहा है तो उनकी होली प्लेस है, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट। आप में से भी अगर कोई बंदा व्लॉग देखने के बाद यहाँ पर अगर आएगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनका जो प्रोटोकॉल है उसको लाजमी फॉलो करना है, टोपी के बगैर हम लोग नहीं फिर सकते। जहाँ जहाँ पे उन्होंने बोला है वीडियोज़ आर नॉट अलाउड, वी आर नॉट सपोज टू मेक वीडियोज़ ओवर देयर, वी नीड टू रिस्पेक्ट। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ हम वहाँ वहाँ पे जाके बनाते हैं। यहाँ पे बच्चे मिल गए हैं, ये भी आप लोग कहाँ से हो? लाहौर से आए हुए हैं? स्कूल का कोई टूर आया हुआ है? अच्छा, ये ट्रिप पे आए हुए हैं, स्कूल के ट्रिप पे आए हुए हैं। और आपका नाम क्या है? शबान। और उनका? ये सारे बच्चे जी लाहौर से, कहाँ से आए हो? लाहौर में कहाँ से आए? स्कूल कौन से आए हो? फिजिया ग्रामर स्कूल चुंगी अमृतसर। ये सारे बच्चे आए हैं, और ये अब मेरा जाके चैनल सब्सक्राइब करोगे ना? पक्की बात है? दोबारा बताऊँ चैनल का नाम क्या है? मोहम्मद के स्पेलिंग आते होंगे आप सबको, ठीक है? SHAMY शामी, SHAMY 2.0। और तुम सब लोगों ने अगर सब्सक्राइब ना किया तो वह देख लेना। ये कुआँ बना हुआ है, आई थिंक मुझे इस कुएँ के बारे में नहीं पता, यहाँ पे लोग इनका कोई रिस्पेक्टेबल सा चंदा वगैरह डालते हैं ये सब लोग। तो ये कुआँ बना हुआ है जहाँ पे ये भी कोई इबादत गाह ही होगी उनकी। अभी हम लोग गए थे अंदर लंगर खाना, और लंगर खाने से हम लोग लंगर करके अभी वापस आए हैं, और अभी यहाँ से हम वापस जाएंगे। हमारा ऑलमोस्ट चेकआउट का टाइम हो गया। गुरुद्वारे की इस साइड पे ये इंडिया, ये वाला बैरियर नजर आ रहा है, जिस तरह हमारे उस साइड पे बैरियर था, ये दूसरा इंडिया वाली साइड का बैरियर है। तो यहाँ से जितने लोग आते हैं इंडिया से वो इस साइड पे आते हैं, वो सामने शटल बस खड़ी हुई है। तो इंडिया की एंट्री इस साइड से होती है, और हम लोगों की एंट्री वो अपोजिट साइड से होती है। तो अभी हम लोग भी जो हैं वो टूर कर लिए, बहुत सारी वीडियोज़ मैं नहीं बना सका, बहुत सारी बना ली हैं। टूर करके हम लोग अभी पिक्चर वगैरह बनवाएंगे और फिर बाहर निकल। सब लोग इधर इकट्ठे हो रहे हैं, ये बिल्कुल सामने यहाँ पर बनाएंगे पिक्चरें, और पिक्चर्स बनाने के बाद विल चेक आउट। यहाँ से बाहर निकले हैं, तो ये बिल्कुल सामने आपको जो दुकानें शिकानी ये नज़र आ रही है ना, ये वाली दुकानें, ये यहाँ पे मार्केट बनी हुई है, फूड स्ट्रिप टाइप आप कह सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट किया, भजन निषाद का यहाँ पे ब्रांड भी है, निषाद लोगों ने अपनी वो बनाई हुई आउटलेट यहाँ पे। लेकिन मेरे सुसू बड़ा तेज है, वह सुसू करके जल्दी जल्दी बस में चलते हैं। ये वाली मार्केट है पूरी फूड स्ट्रिप टाइप नहीं कह सकते, लेकिन ये कपड़े वगैरह और हर चीज़ जो लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं अपने आने वालों को, या जो पाकिस्तान में सिख मिलते हैं अपने इंडिया से आने वाले सिख रिश्तेदारों को, तो वो यहाँ से गिफ्ट लेके तबादला एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। भाईजान ढूंढते ढूंढते हमें वॉशरूम मिल गया, वॉशरूम चलते हैं। अभी मैं वॉशरूम वाली साइड पर आया था, लेकिन वहाँ पर वॉशरूम करने के बाद मुझे ना कड़ा मिल गया, जुनेद को कड़ा बहुत पसंद है, तो मैंने कहा यहाँ से ले लेता हूँ मैं। अभी वो वहाँ पे आया, उसे मैंने नहीं बताया, मुझे साइज़ का भी नहीं पता, लेकिन मैंने जो है उसका हाथ थोड़ा भारी है तो उसी हिसाब से ले लिया। लेट सी, अगर उसे आ जाता है पूरा तो ठीक है, वरना रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन उसे कड़ा पसंद बहुत है, तो मैंने उसके लिए एक कड़ा ले लिया। तेरे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। लड्डू? अल्लाह ही कसम, दिखा। क्या हो सकता है, गैस कर। लड्डू ही हो सकता है। लड्डू कड़ा लेके आना। ओके, गुड वाइब्स, थैंक यू सो मच भाई। पहन के देख, मुझे अभी तेरे साइज का नहीं पता था, मैं ले आया हूँ वैसे ही। बहुत बड़ा है, तेरा साइज ही है। यहाँ से फ्री मिल रहे थे? नहीं, फ्री मिल रहे थे। कितने का? पैसों के लेके हैं, जितने का भी लेके हैं, लेकिन ले आए हैं। अच्छा लग रहा है तेरे हाथ में, थोड़ा खुला है, लेकिन आ गए हैं जी शकरगढ़, और शकरगढ़ से अभी हम लोगों ने खाना है, खाना यहाँ पे सब लोग खाना छाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग वापसी को निकलेंगे। अभी सब लोग बैठे खाना खा रहे हैं, हम लोगों ने खाना खा लिया, खाना खा के फ्री हुए हैं। अभी फिर हाजते रफा हो गई है, तो वॉशरूम की तरफ जाया जा रहा है। बस अब यहाँ से फिर खाना खा के हम लोग वापसी की तरफ निकलेंगे। टूर हमारा जी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और ये ब्लॉग पता नहीं कब आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा दीजिए, आवाज़ मेरी बिल्कुल बंद हो गई। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह ताला आप सबका आमीन।